नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज जो आप देख रहे हैं ये हम 50 किलोवाट का एक सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं आपका एक फर्म पर, कॉमर्शियल फर्म है ये। यहाँ 50 किलोवाट का नेक्सा सोलर एनर्जी का 384 वोल्ट में, मतलब 32 बैटरी के साथ ऑफ ग्रिड सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं थ्री फेज का। तो इंस्टॉलेशन वीडियो है ये, इसमें दिखाएंगे कैसे कैसे इंस्टॉल किया जाता है कम्प्लीटली। तो दोस्तों इसमें हमने बायोफिशियल पैनल लगाया, अभी पैनल हमने मात्र इस पर 30 किलोवाट लगाया है, क्योंकि अभी पार्टी दो स्टेप में इसको पैनल को बढ़वा लेगी, 50 किलोवाट करा लेगी बाद में। फिलहाल उन्होंने 30 किलोवाट पैनल लगवाया है, ये बायोफिशियल है नेक्सस कंपनी का ही। आप देख रहे हैं मोनोपॉक सेल के साथ बायोफिशियल पैनल है, ये जो ऑब्जेक्शन बॉक्स है, मतलब इंजेक्शन बॉक्स है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ से कनेक्शन हो रहे हैं, लड़के अभी इस पर काम कर रहे हैं, वर्किंग चल रही है, ये अभी कम्प्लीट नहीं हो पाया है। स्ट्रक्चर पार्टी ने अपना लगवाया है, पार्टी ने अपना स्ट्रक्चर इसलिए ऊँचा लगवाया है इसके नीचे कुछ अपना यूज कर सके, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो दोस्तों 50 किलोवाट का सिस्टम है, थ्री फेस का आउटपुट देगा, ऑफ ग्रिड सिस्टम है 50 किलोवाट में, और थ्री फेस का आउटपुट है इसका, थ्री फेस में आउटपुट देगा सिस्टम इसका। जो कॉमर्शियल लोड है इस प्रतिष्ठान का, जहां हम लगा रहे हैं, ये बुलंदशहर में एक प्रतिष्ठान है, लेकिन बुलंदशहर में एक प्रतिष्ठान है, इस पर हमने 50 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं। पैनल अभी इन्होंने 30 किलोवाट लगवाया, तो आज इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या, कितनी कितनी बैटरी, क्या क्या लगता है। अब वीडियो मंथ तक रहिए। तो दोस्तों ये थ्री फेस का आउटपुट देगा, थ्री फेस में आउटपुट है, चूँकि इनका जो लोड है, इनका जो प्रतिष्ठान है, इसका जो लोड है थ्री फेस में है, तो ये थ्री फेस में 50 किलोवाट का सिस्टम है इस सिस्टम को, 50 किलोवाट के को, और ये 32 बैटरी के साथ है, यानी कि 384 वोल्ट में सिस्टम है, 32 बैटरी के साथ है ऑफ ग्रिड सिस्टम। और इसमें जो पैनल का यूज़ किया गया है वो ग्रेड में बायोफिशियल पैनल का यूज़ किया गया है सारे सिस्टम में, आप देख रहे हैं जैसा कि। तो दोस्तों ये क्या क्या लोड चला सकता है, 50 किलोवाट तक के जो लोड है, मतलब आपका वो सारे लोड इससे आप चला सकते हैं अपनी इंडस्ट्री की, जैसे मोटर है, जैसे आपके एयर कंडीशनर हैं, या जो भी थ्री फेस के आपके अपने, चूँकि इस हॉस्पिटल में थ्री फेस की लाइट है, तो थ्री फेस के जो भी लोड है वो अपना इस पर ये चलाएँगे। इन्होंने स्ट्रक्चर अपना बनवा दिया है अपने फैब्रिकेटर को बुला के, पैनल हमारी टीम ने खींच दिया है इसका पूरा। अब उसके बाद में हम इसका इंस्टॉलेशन करेंगे, क्योंकि पीसीयू ये तीसरी चौथी मंजिल पर चढ़ाया गया था, काफ़ी भारी पीसीयू है, आपको दिख रहे हैं जैसा कि। इन्होंने बैटरी के लिए भी अलग से जाल बनवाया है, तो इसको आज पीसीयू को चढ़वा दिया गया है। ट्रांसफार्मर चूँकि इसके हमने खोल के अलग से लाए थे, चूँकि इतनी ऊँचाई पर चढ़ाना भारी हो रहा था, इसको अभी यहाँ इंस्टॉल कराएंगे ट्रांसफार्मरों को, वो आपको मैं अगली वीडियो में दिखाऊँगा कि इसको इंस्टॉल जो ट्रांसफार्मर है, चूँकि अभी अनबॉक्स करा के और इसमें ट्रांसफार्मर अलग से फुटाऊंगा, चूँकि भारी ट्रांसफार्मर थे, लगभग 500 किलो वजन है जो पीसीयू है इसमें सिस्टम में, 500 किलो वजन है, तो ये ऊपर ले कर आना भारी हो गया, चूँकि लिफ्ट नहीं थी इसमें, इस प्रतिष्ठान में लिफ्ट नहीं थी, तो ये सीढ़ियों के सहारे लाया गया। बड़ी मेहनत करने के बाद में टीम इसको लेकर आई है ऊपर। तो दोस्तों अगर आप भी चाह रहे हैं कि आप भी कोई बड़ा सिस्टम लगवाएं, अपने बिजली के बिल को कम करें, क्योंकि दिन पे दिन आपका भी कोई प्रतिष्ठान है, हॉस्पिटल है, आपका स्कूल्स है, आपके यहाँ लोड है, एक सिंगल फेज या थ्री फेज जैसा भी आप चाह रहे हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, तो आप लगवा सकते हैं। मैंने इसीलिए वीडियो बनाई है कि आप परचेज करना चाह रहे हैं तो मैं कंपनी के नंबर दे दूँगा, आप कंपनी से डायरेक्ट बात करके सिस्टम लगवा सकते हैं। चूँकि आने वाला जो युग होगा दोस्तों वो सोलर का ही युग होगा, बिजली के बिल दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, और सूर्य की जो लाइट है हमें फ्री में मिल रही है, और इसमें ऊर्जा है, तो हम इससे पोल्यूशन भी बचाएंगे और अपनी एनर्जी हमें फ्री में मिलती रहेगी वन टाइम इन्वेस्ट होने के बाद में। तो दोस्तों हमें सौर ऊर्जा की तरफ आना ही है, तो क्यों ना बड़े सिस्टम भी जहां हमारे ज़्यादा लोड हैं और वहां हम अपना सोलर सिस्टम लगवाएं। दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं 50 किलोवाट या बड़ी इंडस्ट्री जो होती हैं, तो लोग सोचते हैं कि ज़्यादातर ऑफ ग्रिड नहीं लगवाना चाहिए ऑन ग्रिड, लेकिन ऑफ ग्रिड भी कामयाब है, जहाँ लाइट 24 घंटे नहीं है वहाँ ऑफ ग्रिड लगवाएं आप, जिससे कि आपका दिन में तो लोड चलता ही रहे और रात का भी आपको कुछ टाइम का बैकअप मिल जाए। जैसे 32 बैटरियाँ इन्होंने ली हैं, तो इसमें रात का भी इनको बैकअप मिलेगा, दिन में तो मिलेगा ही मिलेगा, तो रात का भी इनको बैकअप मिलेगा, ऑफ ग्रिड का ही फायदा होता है। ऑन ग्रिड का क्या होता है दोस्तों, ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड आप समझते होंगे वैसे, लेकिन फिर मैं बता दूँ, ऑन ग्रिड को लोग समझते हैं, ऑन ग्रिड का मतलब जो ग्रिड के साथ काम करता है, ऑफ ग्रिड मतलब बिना बिजली के भी साथ काम करने वाला, बिजली की सपोर्ट तो इसको मिली जाती है, ग्रिड की सपोर्ट तो ले लेता है, लेकिन आप बिजली ना हो तब भी ये सिस्टम चलता रहता है। तो दोस्तों हम सोलर सिस्टम इसीलिए लगाते हैं कि बिजली ना हो, जब भी उस समय हमारे यहाँ कटना हो, तो मोस्टली ज़्यादातर इंडिया के अंदर ज़्यादा जो डिमांड है वो अभी ऑफ ग्रिड की ज़्यादा डिमांड है, ऑन ग्रिड वहाँ लग रहा है जहाँ 24 घंटे लाइट है, यानी कि दिन में जहाँ रेगुलर लाइट रहती है वहाँ लोग ऑन ग्रिड लगवाते हैं बिजली का बिल कम करने के लिए, लेकिन कुछ जगह ऐसा है जहाँ बिजली का कटअप भी ज़्यादा है, तो वहाँ ऑफ ग्रिड सिस्टम को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये ऑफ ग्रिड सिस्टम ही है,
50 किलो वाट का 32 बैटरी के साथ। आज हम इसको इंस्टॉलेशन करेंगे, इसकी फाइनल वीडियो हम अगली वीडियो में दिखाएंगे, क्योंकि अभी कम्प्लीटली इंस्टॉल नहीं हो पाया है, अभी इस पर वर्किंग चल रही है। तो मैंने सोचा एक छोटी सी आपको वीडियो डाल के इसको दे दूँ, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। तो दोस्तों, अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और मेरा चैनल अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। मैं इस पर सोलर संबंधित वीडियो देता हूँ, मात्र सोलर से संबंधित ही वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेंगी। तो मेरे चैनल पर आने के लिए, मेरी वीडियो